हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों इस वीडियो में हम लोग टेंथ क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे टेंथ क्लास में जो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है केमिकल रिएक्शन क्या होता है केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का मतलब कि जब ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स किया जाए तो कोई नया सब्सटेंस अगर बन रहा है तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और केमिकल रिएक्शन एक बार जब दो सब्सटेंस आपस में मिल गए किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उस न्यू सब्सटेंस को फिर रिवर्स स्टार्टिंग वाले सब्सटेंस को आप नहीं रिवर्स बना सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा तो डिफिनेशन आप बच्चों लिखिएगा केमिकल रिएक्शन होता क्या है केमिकल रिएक्शन इट इज ए प्रोसेस इट इज ये प्रोसेस इट इज ये प्रोसेस इन विच इन विच वन आर मोर one or more substance one or more substance formed new substance formed new substance new substances called chemical reaction called chemical रिएक्शन इसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं अब जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों केमिकल रिएक्शन अगर एक बार हो गया तो फिर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट कैन नॉट इट कैन नॉट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाई फिजिकल बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के द्वारा इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड कौन कौन से मेथड आते हैं जैसे आपने पढ़ा है बच्चों डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन भी फिजिकल मेथड है डिस्टिलेशन ये नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा डिस्टिलेशन सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया इवेपरेशन इवेपरेशन ये सभी फिजिकल मेथड होते हैं तो फिजिकल मेथड के द्वारा हम किसी भी हो चुके केमिकल रिएक्शन को रिवर्स स्टार्टिंग रिएक्टेंट नहीं बना सकते स्टार्टिंग वाले मटेरियल हम दोबारा नहीं बना सकते हैं अब कोई भी रिएक्शन अगर इन्वॉल्व हो अगर प्रोसीड हो रहा है तो उसमें कुछ कंडीशन इन्वॉल्व होता है पहला टेम उसका जो है स्टेट चेंज हो सकता है जैसे कोई स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया सॉलिड स्टेट में तो हो सकता है जो न्यू सब्सटेंस लिक्विड में बने या गैस में बने या हो सकता है सॉलिड में ही रहे लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में उसका स्टेट चेंज हो जाता है तो अगला पॉइंट बच्चों आप लिखिएगा हेडिंग है केमिकल केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या क्या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों चेंज इन स्टेट चेंज इन चेंज इन स्टेट मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो न्यू आपस में जो सब्सटेंस कंबाइंड हो रहे हैं उसका स्टेट चेंज हो सकता है सेकेंड पॉइंट चेंज इन कलर चेंज इन कलर अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो उसका जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसका कलर भी चेंज हो सकता है एंड थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर का भी चेंज पॉसिबल है एंड फोर्थ इज इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ 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 गैस 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 भी इवॉल्व हो सकते हैं तो बच्चों आपने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होता है तो न्यू सब्सटेंस जो बनता हो है उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल मेथड से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है चेंज इन स्टेट चेंज इन कलर चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस जैसे बच्चों समझिएगा मान लेते हैं कोई ए एंड बी दो सब्सटेंस है ए एंड बी ए एंड बी दो सबस्टेंस है और ये दोनों आपस में कंबाइंड करके मान लेते हैं ए बी न्यू सब्सटेंस बना रहा है तो अब इस ए और बी को जो लेफ्ट हैंड साइड है एरो के okay, इसको मैं बोलूंगा बच्चों आप भी बोलेंगे रिएक्टेंट और जो इस साइड राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंस बन रहा है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट है। इसको बोलेंगे प्रोडक्ट तो अब ये जो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा तो इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं तो रिएक्टेंट होता क्या है रिएक्टेंट 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 का मतलब हुआ बच्चों हु टेक पार्ट इन हु पार्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे हु पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है स्टार्टिंग में उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट दैट इज ए एंड बी यहां क्या है रिएक्टेंट है ए और बी यहां रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों प्रोडक्ट देखिएगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड द सब्सटेंस द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड विच इज फॉर्म्ड इन इन ए केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं प्रोडक्ट यानी यहां ए बी क्या है प्रोडक्ट है क्योंकि ए बी ए एंड बी रिएक्टेंट से कंबाइंड होकर के बना तो जैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा बच्चों एग्जाम्पल

अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बच्चों तो वाटर बनाएगा जैसे एच टू प्लस ओ टू कन्वर्टर इंटू एच टू ओ एच टू हाइड्रोजन गैस ओ टू ऑक्सीजन गैस ये दो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड किया तो एक न्यू सब्सटेंस बना वाटर तो ये दोनों है रिएक्टेंट ये दोनों बच्चों रिएक्टेंट है और ये जो बना हुआ है ये प्रोडक्ट है जो बन रहा है ये क्या है प्रोडक्ट है लेकिन अभी ये इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहां दो हाइड्रोजन यहां दो ऑक्सीजन यहां दो हाइड्रोजन तो है लेकिन एक ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहां दो अगर कर दिया जाए तो दो यहां हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो दो ऑक्सीजन हो गया जितने अब हाइड्रोजन फोर हो गया ये जो नंबर आगे लिखा हुआ है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर हाइड्रोजन इधर और दो ऑक्सीजन इधर दो ऑक्सीजन है लेकिन दो हाइड्रोजन तो यहां हम टू से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया अभी मैं आगे बैलेंसिंग सिखाऊंगा कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं अगला एग्जांपल बच्चों मैं लेता हूं सेकंड एग्जांपल। वैन वैन मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन एनसीआरटी का एग्जाम्पल है वैन मैग्नीशियम रिबन बंट इन एयर बंट इन एयर एयर में क्या होता बच्चों ऑक्सीजन गिव गिप्स मैग्नीशियम ऑक्साइड है गिब्स मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर दे रहा है तो अब इस इक्वेशन को हम बच्चों लिखेंगे मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा तो एम बना देगा दिस इज ये रिएक्टेंट ये है हमारा रिएक्टेंट एंड दिस इज ये प्रोडक्ट ये है हमारा प्रोडक्ट अब बच्चों मैग्नेशियम एक मैग्नेशियम एक ऑक्सीजन यहां दो है यहां ऑक्सीजन एक ही है तो या तो हम यहां वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दें और या तो फिर हम यहां दो से मल्टीप्लाई करें तो यहां दो ऑक्सीजन दो मैग्नीशियम और यहां भी हम दो कर दें अब इसका स्टेट भी लिखा होना चाहिए जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो एस लिख देंगे ब्रेकेट में ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो जी लिख देंगे MGO सॉलिड में एग्जिस्ट करता है तो ऐसे ऐसा लिख देंगे यहां वाटर लिक्विड और ये गैसियस और ये भी क्या है गैसियस ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन को मैं डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेता हूं केमिकल इक्वेशन होता क्या है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग बच्चों लिखिएगा केमिकल केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन होता क्या है इसको आप समझेंगे केमिकल इक्वेशन मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जिस मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उस मेथड को या उस प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन आप कह सकते हैं तो ऐसे आप लिखिएगा बच्चों ए केमिकल रिएक्शन ए केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल बाई केमिकल इक्वेशन बाई केमिकल इक्वेशन कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है अब केमिकल इक्वेशन क्या इन्वॉल्व करता है एक एलिमेंट का सिंबल इन्वॉल्व करेगा उसका फिजिकल स्टेट इन्वॉल्व करता है जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट आप लिखिए इट इन्वॉल्व इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिथ मैंसन बिथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना जरूरी है ठीक है बच्चों फिजिकल स्टेट मींस क्या होता है जैसे सॉलिड में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो सॉलिड के लिए आप एस लिखोगे ब्रैकेट में लिक्विड में अगर है तो लिक्विड के लिए ब्रैकेट में एल लिखोगे गैस अगर है तो जी लिखोगे एंड एक्वस अगर एक्वस है एक्वस है तो ब्रैकेट में ए क्यू लिख दिया जाएगा फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है जैसे सबसे पहले आप एक्वस का मीनिंग समझ लीजिए एक्वस ए क्यू एक्वस क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऐसे कभी कभी दिया रहेगा एक्व सॉल्यूशन इसका मीनिंग क्या है तो आपको नाइन्थ क्लास में बच्चों पढ़ाया गया है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है लेकिन अगर सॉल्यूट मान लेते हैं कुछ भी एक्स वाई जेड है अगर वो सॉल्वेंट वाटर में मिला तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे एक्वस, एक्वस मतलब वाटर चलिए सोल्यूशन तो इसको आप क्या बोलेंगे लिख लीजिए एक पॉइंट बच्चों इट इज इट इज ए सॉल्यूशन इट इज ए सॉल्यूशन एक्व सॉल्यूशन एक सोल्यूशन है इन हुई इन हुईच जिसमें सॉल्वेंट इन हुई सॉल्वेंट इज वाटर जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों वाटर होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है वाटर होता है बात समझ में आया अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन का तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू गिव टू गिव अमोनिया गैस टू गिप अमोनिया गैस तो ऐसे लिखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया तो ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो गया स्केलेटल फार्मूला ऐसे आप कह सकते हो उसको तो अब इसको हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2 और प्लस नाइट्रोजन को लिखेंगे N2 और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 अब इसको हमें बैलेंस करना होगा बच्चों N2 टू यहां दो नाइट्रोजन है यहां दो यहां तीन तो पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करें यहां दो है यहां एक तो हम यहां टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन इधर और इधर बैलेंस हो चुका है यहां हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स तो यहां हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री टू जा सिक्स यहां भी हो गया अब हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो जी लिख दो नाइट्रोजन भी गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो जी लिख दो और एन भी गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो यहां भी जी आप लिख दीजिए तो इधर वाला जो हो गया ये रिएक्टेंट है रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड में जो न्यू सब्सटेंस बना उसे हम बोलेंगे बच्चों प्रोडक्ट जैसे अगला एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज रिए विथ हाइड्रोजन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन क्लोरीन गैस टू गिव टू गिव एचियल गैस कौन सी गैस देती है एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे बोलते हैं एच सीएल गैस तो हाइड्रोजन मतलब एच टू और क्लोरीन मतलब सीएल टू दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एच सी एल गैस दे रहा है ये भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ये भी गैसियस स्टेट में पाया जाएगा और ये भी गैसियस एच सी एल भी गैसियस में होगा तो अब ये इक्वेशन यहां दो एटम है हाइड्रोजन के यहां एक ही है तो मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डिटेल्स में मैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही सिखाएंगे कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे पूरा डिटेल्स अगले वीडियो में हम लोग बच्चों सीखेंगे तो आज का लेक्चर समाप्त होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल और आगे हम लोग हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन वगैरह और आगे पढ़ेंगे ओके बच्चों